विधायक सचिन बिरला ने इंदौर इच्छापुर हाईवे स्थित अवंती सूत मिल का किया दौरा। धनतेरस के मौके पर मिल में मौजूद मशीनों और संपत्तियों की पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर सूत मिल की कॉलोनी में रह रहे लोगों ने विधायक को बताई समस्या। शुक्रवार सुबह करीब 12 बजे अवंती सूत मिल पहुंचे विधायक सचिन बिरला सबसे पहले श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां भगवान का पूजन अर्चन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद विधायक सूत मिल पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और सूत मिल प्रबंधक के साथ मिलकर मशीनों और संपत्तियों की पूजा अर्चना की। इसके बाद मिल में चल रहे कार्यों को निरीक्षण कर जानकारियां हासिल की। निरीक्षण के बाद जैसे ही विधायक सूत मिल परिसर पहुंचे, उन्हें महिलाओं ने घेर लिया। महिलाओं ने कहा, कलेक्टर ने मिल की संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया के लिए आदेश जारी किया है, इसके तहत मकान भी नीलाम किए जाएंगे। अगर मकानों की नीलामी होगी तो हम बेघर हो जाएंगे। इस पर विधायक सचिन बिरला ने कहा, नीलामी की प्रक्रिया को निरस्त करने के लिए कलेक्टर के साथ मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे। विधायक ने बताया कि मिल की करीब 5 करोड़ की संपत्ति पर बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से करीब 46 करोड़ का लोन ले लिया है। इस मामले में पहले ही FIR हो चुकी है, लेकिन गबनकर्ता अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन और झाबुआ उपचुनाव में पार्टी की जीत पर विधायक बिरला ने कहा, इस बार दीपावली कांग्रेस के लिए अच्छी है। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। सनावत से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट। के अंदर आंदोलन शुरू किया आपने, इसको लेकर किस तरीके से? ये आंदोलन नहीं है। आज हम लोग अवंती सूत मिल में धनतेरस के अवसर पर, क्योंकि हमारी अपनी संपत्ति, हमारे क्षेत्र की संपत्ति, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर काम करती, रोजगार से पूरा परिवार के सैकड़ों परिवार लगे हुए, उनकी ये संपत्ति है, उसका हम पूजन करने के लिए आए थे। हिंदू धर्म में मान्यता हमारी संस्कृति में कि हम लोग धनतेरस के दिन हमारी संपत्ति की पूजा अर्चना करते हैं, तो उसका पूजन करने आए थे। और माँ लक्ष्मी से आज हम लोग ये मांग रहे हैं कि यथावत ये मिल चलती रहे इसी तरह, और यहाँ पर सारे लोग जो रोजगार से लगे हुए हैं उनको भी रोजगार मिलता रहे और अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर मिले, इस भाव को लेकर हम यहाँ पर आए थे। कोऑपरेटिव बैंक ने एक नोटिस यहाँ पर चस्पा किया है और विज्ञप्ति भी निकाली है कि यहाँ की जो संपत्ति के आसपास जो मकान बने हुए हैं उनको नीलाम करना है, उसको लेकर भी ये मामला ऐसा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से अवंती मिल ने के पूर्व प्रबंधक संचालक ने बहुत सारा धोखाधड़ी और गबन करते हुए जो संपत्ति मात्र सरकार ने उस समय इनको दी थी वो 3 करोड़ रुपए की थी, और 2 करोड़ और कुछ रुपए की अन्य संपत्ति थी, जैसे 5 करोड़ 40-45 लाख रुपए की कुल संपत्ति थी, जिसमें 3.75 करोड़ रुपए की संपत्ति पर 46-47 करोड़ रुपए का लोन ले लिया है, और जो बढ़ के अब 60 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।